अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सबा फूड चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा बहुत ही करीब है। इंशाल्लाह ताला मंडे को ईद होगी, तो हर घर में इस मौके पे जो है वो अलग अलग तरीके से स्वीट डिशेस बनती हैं, मीठे बनते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम बनाएंगे मैंगो सेवैयाँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेंगी, कुछ इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सिर्फ चार या पांच चीज़ों से आप बेहतरीन मैंगो सेवैयाँ बना सकते हैं अपने घर पे। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और इस तरीके से सेवैयों को आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ईद पे आपकी फ़ैमिली को और आपके गेस्ट जो आएंगे घर पर उनको बहुत पसंद आएंगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप देखें। सबसे इलायची, छोटी इलायची मैंने ली है, यहाँ पे चार ली और उनको खोल लिया, तोड़ लिया। आधी प्याली के करीब मैंने यहाँ शुगर ली है, चीनी ली है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने आधी प्याली के करीब इसलिए ली है क्योंकि मैंगो भी मीठा होता है, इसलिए मैंने चीनी की क्वान्टिटी थोड़ी सी कम ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसकी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। बादाम पिस्ते लिए हैं मैंने, थोड़े से बादाम पिस्ते लिए और इन्हें बारीक काट लिया। यहाँ मैंने सेवैयाँ ली हैं, सिंपल सेवैयाँ जो होती हैं हमारी वो ली हैं मैंने, लेकिन ये रोस्टेड हैं और इन्हें मैंने आधी प्याली से भी थोड़ा सा कम लिया है। दूध हमने लिया है 1 लीटर के करीब, जिसे मैंने ऑलरेडी बॉयल होने के लिए रख दिया। और ये मैंगो मैंने यहाँ पे लिए, 2 बड़े साइज़ के मैंगो लिए और उनका छिलका उतार के उनको इस तरीके से क्यूब्स भी मैंने कट कर लिए। अब आप देखें कि मैं किस तरीके से ये बनाऊँगी। ये यहाँ दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, ये तकरीबन अभी बॉयल नहीं हुआ, बॉयल ये होने वाला है। फिर इसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे और फिर मैं आपको इसका आगे का मेथड बताऊंगी। पहले हम दूध को अच्छे से बॉयल करेंगे। अब यहाँ पे दूध बॉयल होने वाला है, अब मैं इसके अंदर ये इलायची शामिल कर दूंगी और इसको चम्मच से थोड़ा सा हम लाएंगे। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दें ताकि दूध आपका जोश पर बाहर ना आए। इसके अंदर हमने ये चम्मच चलाया और हम इसको इलायची डाल के 2 से 3 मिनट के लिए दूध को पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर सेवैयाँ शामिल कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम दूध को जोश करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हमें दूध को इलायची के साथ पकाते हुए। अब हम इसके अंदर ये सेवैयाँ शामिल करेंगे और सेवैयाँ शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से दूध के साथ। अच्छा, यहाँ मैंने सेवैयाँ इसलिए कम ली हैं क्योंकि दूध हमारे पास 1 लीटर था। सेवैयाँ मैंने इसलिए कम ली क्योंकि हमें ये थोड़ा सा दूध के साथ सेवैयाँ पकेंगी तो हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इसमें हल्की सी जो है वो हमारे पास पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिकनेस दूध में सेवैयों के साथ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी सेवैयाँ दूध के साथ अच्छे से पक रही हैं, 4 से 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब मैं इसके अंदर ये चीनी शामिल करूँगी। चीनी शामिल करने के बाद, क्योंकि चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी अच्छे से, ताकि ये सेवैयाँ भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, चीनी भी हमारी घुल जाए, अच्छे से ये हमारे पक जाएं। बस फिर हम इसको उतार लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमें आम किस तरीके से शामिल करना है और हमें इसे गार्निश किस तरीके से करना है। जी, अब ये देखें बहुत अच्छे से ये पक गई हैं सेवैयाँ दूध के साथ और ये बिल्कुल इसके अंदर जितनी हमें थिकनेस चाहिए थी वो आ गई है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसे अब हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। फिर हम इसके अंदर जब ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाएंगी, फिर हम इसके अंदर मैंगो मिक्स करेंगे और उसको बादाम पिस्ते से डेकोरेट करेंगे। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। जी, तो ये देखिए यहाँ मैंने सेवैयाँ हमारी रेडी हो गई थी, इसे मैंने बोल में निकाला और इसके अंदर मैंने वो जो मैंगोज़ कट किए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। मैंगो आप इसमें तभी शामिल करेंगे जब ये बहुत अच्छे से कूल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद आप इसमें मैंगो शामिल कीजिएगा। और अब मैं आपको इसको दिखाऊँगी कि आप इसको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं बादाम पिस्ते और मैंगोज़ के साथ। जी, तो ये देखिए मैंने इसे बॉल में निकाल दिया है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो मैंगो सेवैयाँ हमारी रेडी हैं। इसे मैंने मैंगो से और बादाम पिस्ते के साथ डेकोरेट किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, इंशाल्लाह ताला ईद उल अज़हा पे आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय करें।
मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को सबा फूड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने बहुत जल्द हाज़िर होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।